और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है, वन नेशन वन इलेक्शन पर बड़ी खबर यह इस वक्त यह खबर मिल रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, सूत्रों के मुताबिक यह खबर मिल रही है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लगातार चर्चा चल रही थी, इस पर मंथन भी किया गया, और ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि सेंट्रल कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं। चुनावी गहमागहमी का माहौल विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहा है, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि सेंट्रल कैबिनेट की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दे दी गई है। तो ये बड़ी खबर, लगातार इस पर चर्चाएं चली हैं, और उसके बाद मंथन करके सहयोगी दलों के साथ भी और उनसे राय लेने के बाद भी ये जानकारी सामने आ रही है कि ये जो प्रस्ताव है इसको मंजूरी दे दी गई है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के जो प्रस्ताव जिस पर लगातार मंथन किया जा रहा था, अलग अलग इसको लेकर कमेटियां गठित की गई थी और उसके पास इसको रखा गया था और सभी से सहयोग की उम्मीद की जा रही थी, और आखिरकार इसको कैबिनेट में रखा गया और कैबिनेट के मीटिंग में ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि वन नेशन वन इलेक्शन को का जो प्रस्ताव है उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है, यानी क्या देश में अब एक बार ही चुनाव हुआ करेंगे और एक साथ ही चुनाव हुआ करेंगे। ये बहुत सारी बातें हैं इसके और अलग अलग स्थितियां सामने आएंगी। हालांकि पहले अब जबकि कैबिनेट की तरफ से मंजूरी की बात सामने आ रही है, जाहिर सी बात है दोनों सदनों में इसको रखा जाएगा और उसके बाद इस पर बहस भी होगी, बहुत सारी चर्चाएं भी होंगी, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है सूत्रों के मुताबिक। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, तो अहम जानकारी है ये। और देश में चुनाव के को लेकर के जो अभी तक की स्थितियां रही हैं उसमें बड़ा बदलाव आ सकता है इस तरह के इस प्रस्ताव को कानून के तौर पर दोनों सदनों में मंजूरी मिलती है। लेकिन इससे बड़ी खबर इसको बल इसलिए मिल जाता है क्योंकि सेंट्रल कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। ये सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है, बड़ी खबर यह है। और पूरी जो चुनाव की व्यवस्था है, संभव है कि इसको लेकर के बदलाव का जो बयार है वो अलग तरीके से बहेगा और अलग तरीके से चुनाव के जो संचालन की बात करें, चुनाव की अभी तक जो रवायती तौर पर होती रही है रवायती तौर पर, वो स्वरूप भी बदल सकता है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार चर्चा की गई थी, कई कमेटियां गठित की गई थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने इसको रखा गया था, और ये जानकारी मिल रही है कि अब इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।